वेलकम स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और इससे पिछले वीडियो में हमने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इसका लॉ पढ़ा था, पृथ्वी का मास किस तरह हम निकालते हैं और उसकी डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है ये भी हमने बताया था आपको। तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण है वो किस किस तरह से परिवर्तित होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स ध्रुव, जो हमारे पृथ्वी का ध्रुव है वहां पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है और ये इसकी रेडियस है आर और सफिक्स में ई, इट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तब जो रिलेशन होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी तल पर रखा होता है तब उसकी जो ग्रेविटी होती है वो होती है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट, जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, सपोज कीजिए मैं एच ऊंचाई तक ऊपर गया पॉइंट ओ तक, तब जो ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण दो में समीकरण एक से भाग करने पर क्या हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू, जब ये वैल्यू अपॉन में आएगी इन्वर्स हो जाएगी, तो आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, इन दोनों वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी और जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जब मैं इस टर्म में से आर ई कॉमन कॉमन लूंगा तो यहां पर आर ई अपॉन में चले जाएगा क्योंकि यहां पर रेडियस नहीं है, तो इट विल बी आर ई स्क्वायर अपॉन, जब आर ई कॉमन लूंगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा आर ई स्क्वायर और ब्रेकेट में वन प्लस एच अपॉन आर ई, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसल आउट और जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वन अप जी डैश जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द एल्टीट्यूड, यानी किसी भी ऊंचाई पर जो जी वैल्यू होगी कितनी होगी, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई। अब इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि यदि जो हमारी हाइट है जिस हाइट तक हम लोग जा रहे हैं वो हाइट यदि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, एच जी डैश इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन एच, आर ई जे एच रख देंगे और इसका हो जाएगा वैल्यू कट जाएगी स्क्वायर, तो जी अपॉन टू का होल स्क्वायर वन प्लस वन, तो जी डैश इज इक्वल टू जी वाई फोर। यानी कि यदि हम पृथ्वी तल से उसकी रेडियस की ऊंचाई के बराबर जाते हैं तो जी का मान कितना रह जाएगा, केवल वन वाई फोर रह जाएगा। जो हमारी अर्थ की रेडियस होती है वो होती है
6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो जी की वैल्यू है जी डैश की, वो जी वाई 4 हो जाएगी, यानी कि 9.8 होती है अपॉन 4 कर देंगे तो 2.45 ये वैल्यू रहेगी कहां पर, केवल एच ऊंचाई पर जाने पर। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ यानी कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर, तो ये हमारी अर्थ है। और यदि हम इसकी गहराई में जाएंगे, यहां तक इसकी आर ई हो गई, अगर हम किसी गहराई तक जाए मान लो एच गहराई तक जाते हैं, तो पहली बात तो ये हमारे टर्म जी होगी। तो हम कहते हैं कि पृथ्वी तल पर जो हमारा मान होता है जी डैश कितना होता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। लेकिन जब अर्थ में जा रहे हैं तो अर्थ क्या एक तरह से मैटर है, जब मैटर है तो उसकी डेंसिटी होगी, जब डेंसिटी है तो हम कह सकते हैं वी नो डैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अर्थ की शेप कैसे हमारी एक तरह से गोले तरह स्फीयर की तरह है, और इस स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर ई की क्यूब। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू हो जाएगी एम ई इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर ई की पावर 3। इस वैल्यू को मैं रख दूंगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू जी इंटू रो 4/3 पाई आर ई की क्यू अपॉन ये वैल्यू आर ई की क्यू आर ई स्क्वायर। तो यहां से दो वैल्यू कट जाएंगी, तो फाइनली मेरे पास जी की वैल्यू क्या आएगी, तो जी आएगा मेरे पास जी इंटू 4/3 पाई आर ई इंटू रो, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। मैं इसको फिर से लिखा, तो जी बचेगा मेरे पास फाइनली कैपिटल जी 4/3 पाई आर ई इंटू रो। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 कि ऑन गोइंग इन द डेप्थ एट डिस्टेंस और हाइट एच, अगर हमें एच हाइट तक जाता हूं तब क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू रो। इक्वेशन नंबर 2 ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू रो अपॉन जी 4/3 पाई आर ई इंटू रो, रो से रो कैंसिल आउट, जी से जी 4/3 से 4/3 और जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। जब दोनों टर्म को एड अप करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1-H अपॉन आर ई। और फाइनली जो मेरे पास एक वैल्यू आएगी रिलेशन में वो होगी जी डैश इज इक्वल टू जी 1-H अपॉन आर ई। ये किसके लिए रिलेशन आ गया, द ग्रेट सेंट एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ लेंथ एच। एक एच हाइट पर वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, जी डैश इज इक्वल टू जी 1-H अपॉन आर। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं फिर से कहता हूं कि मैं पृथ्वी तल से एच ऊंचाई में जा रहा हूं
जो एच गहराई पे जा रहा हूं और यदि वो हाइट जो गहराई है वो रेडियस के इक्वल हो तब कह सकता हूं मैं जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस एच अपॉन एच, या फिर मैं इसको कर सकता हूं आर ई अपॉन आर ई, ये वैल्यू कट जाएगी वन बचेगा वन माइनस वन क्या जीरो, तो जी डैश इज इक्वल टू जीरो। इट मीन एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका मान कितना होता है जीरो होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, यानी कि लैटिट्यूड के कारण और एक्सियल रोटेशन। हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो इसमें क्या है ये हमारा इक्वेटर है जिसकी रेडियस आर ई है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो जब हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो इट मींस अगर कोई पॉइंट पी है यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो भी एक्सिस के अलोंग एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, और यदि इस दौरान जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो हमारी ओमेगा हो, और इस एक्सिस इस पॉइंट का इस सेंटर से कोई एंगल बन रहा हो आपका लैम्डा, ये आपका लैम्डा एंगल है जो लैटिट्यूड से बन रहा है, तब इसके रोटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व त्वरण में जो अंतर आएगा वो क्या होगा जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। और यहां पर दो कंडीशन है, केस नंबर वन कि यदि लैम्डा इज इक्वल टू जीरो जो पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर हो इक्वेटर पर हो तब उसकी जो वैल्यू होगी जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस लैम्डा और कॉस जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो कितनी होती है हमारे पास वन होती है, तो हो जाएगा आर ई ओमेगा स्क्वायर। केस नंबर सेकेंड यदि लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पॉइंट कहां पर रखा हुआ हमारा इन एटीट्यूड पर रखा हुआ है पोल्स पर रखा हुआ है, तब जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ओनली जी, बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो जी डैश इज इक्वल टू जी मीन्स जो अधिकतम मान होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी का मान जो अधिकतम होता है कहां होता है इसके पोल्स पर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड लास्ट टॉपिक इसमें आता है आपका शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की आकृति के कारण। देखिए स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि जो हमारे अर्थ की शेप है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है, वो कैसे एक तरह से जियोइड है इलेप्टिकल है, जो इसके पोल है वो थोड़े क्या है डैम्ड थोड़े दबे हुए हैं, ये आपके पोल हो गए और ये हो गया आपका इक्वेटर। मीन्स जी आपकी स्फेरिकल रेडियस है इक्वेटोरियल जो रेडियस है वो उसकी पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तब जी का मान होगा जी इज इक्वल टू जी
एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या होगा वैल्यू, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और जो इनकी जो रेडियस है, यानी कि जो हमारे इक्विटोरियल रेडियस है, वो इस पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा है इसके कंपैरिजन में। तो जी की वैल्यू जो होगी जी एम ई आर ई स्क्वायर, इससे पहले वाली जो टर्म आई थी हमारे पास जो जी डैश इज इक्वल टू था जी माइनस जी जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो जब हम इक्विटोरियल होते थीटा बराबर जीरो था, तब मेरे पास टर्म कितनी आ रही थी आर ई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इक्विटोरियल पर जो जी डैश की वैल्यू होती है वो रियल जी की वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस घटेगी जी की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ने लग जाएगी, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है आपकी, जी पर होती है। तो दिस इज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।